हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार पनकिया, मेरे पीके चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एंट्रेंस एग्जाम कॉलेज या यूनिवर्सिटी में निकालने के लिए सबसे बेस्ट किताब कौन सा है और आप जो खरीद ना पाए, ठीक है, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे आज। तो दोस्तों बहुत सारे मेरे दोस्तों का और मेरे सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि प्रवीण सर एक वीडियो इस पर जरूर बनना चाहिए। मैं कहा ठीक है, बना देता हूँ, कोई टेंशन नहीं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि आप अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम यानी कि पेपर देने जा रहे हैं तो प्रवेश परीक्षा के लिए, ठीक है, यानी कि आप इसके बाद डायरेक्ट प्रवेश परीक्षा दे लेंगे तो आपने 12वीं अवश्य पास किया होगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें पेपर में कैसे बैठ सकते हैं। दोस्तों अगर आपने साइंस वाले होंगे तो साइंस वाले आर्ट में सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, ले सकते हैं, और आर्ट वाले साइंस नहीं ले सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि कौन सा बुक पढ़ें। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मार्केट में आप जाएंगे तो बहुत जिस कॉलेज का, फिर या BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या फिर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय या अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जो कि आपने देखा ही होगा, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आप अगर जो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं उसका बुक रहता है, कहीं ना कहीं मार्केट में छपता है, ज़रूर छपता है। अब रही बात कि बताऊं कि कौन सी बुक पढ़ना चाहिए जो पैसे में नहीं आते हैं। तो दोस्तों पैसे में ना आने का एक ही बुक है ऐसा जिससे कि आप अच्छे से पास हो सकते हैं बिना ब्रेक के। और पेपर तो आपको पता ही है कि एक महीना बचे हैं टोटल, और एक महीने में ऑलरेडी कंप्लीटेड करना है, तो एक महीने में कौन सा चीज़ पढ़ें कि एक महीने में कंप्लीटेड हो जाए, तो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा ही होगा कि या फिर मार्केट में बुक खरीदा भी होगा 12वीं में, कि जैसे आप साइंस, मैथ और फिर कॉमर्स या फिर आर्ट लिए होंगे, तो आपने जैसे कि आर्ट में राजनीति, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, है ना, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सब बुक तो रहते ही हैं, हिंदी तो साथ ही ये सब रहते हैं। तो आप क्या करिए कि जैसे युगबोध और परीक्षा बोध 12वीं में खरीदते हैं, तो 12वीं में जैसे कि आपको BA का पेपर देना है, ठीक है ना, ये BA LLB का पेपर देना है, तो जो 12वीं में शुरू में रहता है यानी कि युगबोध खरीदते हैं तो शुरू फर्स्ट में रहता है कि संभावित प्रश्न, ठीक है ना, 5 सेट संभावित प्रश्न, 5 सेट, या फिर लास्ट में रहता है कि 2016, 2017, 2018, ठीक है ना, 2019 का जो छपते हैं ये सब, 2018, 2017, 2019 का, इसी में जो प्रश्न बनते हैं यानी कि पेपर जो रहते हैं 12वीं का, इन्हीं में से प्रश्न बनते हैं एंट्रेंस एग्जाम निकालने के लिए। जैसे कि संभावित प्रश्न रहते हैं, संभावित प्रश्न को कैसे हल करना है, तो संभावित प्रश्न जो शुरू में रहता है देख सकते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि कई सारे पेपर दिए होंगे या फिर और कोई नॉलेज का पेपर दिया होगा तो शुरू में संभावित प्रश्न रहते हैं, तो आप उनको पढ़ सकते हैं और साथ ही ये रहे, और बाकी मार्केट में तो है ही। और साथ ही दोस्तों आप GK पढ़िए और करंट अफेयर्स भी पढ़िए साथ में, क्योंकि करंट अफेयर्स जरूरी होता है, और GK पढ़िए और साथ ही न्यूज़पेपर पढ़िए, क्योंकि न्यूज़पेपर में नए नए समाचार मिलते रहते हैं कब कहाँ क्या घटना हो गया। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपके लिए कुछ नॉलेज के लिए जानकारी हो तो आप अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करना। और अगर आपको कोई जानकारी लेना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे अवश्य बताना कि आपको क्या नहीं समझ में आया, हम उसके लिए दूसरा वीडियो या फिर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, डॉक्टर हरि सिंह गौर के बारे में बताएंगे कि कौन सा बुक वो है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं और मार्केट में